कोटा नॉर्थ क्रिकेट प्रतियोगिता को वार्ड 29 ने अपना नाम किया है। कड़े मुकाबले के बीच वार्ड 29 ने शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी अपने नाम कर धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब के पहले टूर्नामेंट में इतिहास रचा। समापन समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी व 51,000 का चेक प्रदान किया। इस मौके पर वैभव गहलोत ने टूर्नामेंट करवाने के लिए धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष श्रीमती एकता धारीवाल व समाज सेवी अमित धारीवाल को धन्यवाद दिया। वैभव ने कहा कि खेलों में हार जीत चलती रहती है, इसलिए किसी को हार पर निराश नहीं होना चाहिए बल्कि अगली बार दुगनी मेहनत के साथ मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता के बेहतर प्रबंधन के लिए एकता धारीवाल की तारीफ की। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के हमेशा तत्पर है। उन्होंने हाल में सीएम अशोक गहलोत द्वारा नेशनल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देने का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह जमाना बीत गया जब खेलने कूदने पर घरवाले कहते थे कि खराब बनोगे, अब खेलोगे कूदोगे तो लाजवाब बनोगे और नौकरियां भी पाओगे। क्लब अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर एकता धारीवाल ने कहा कि अब यह कारवां रुकने वाला नहीं है और अब हर साल क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता करवाएगा जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके। उन्होंने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद दिया। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच सोमेश गुर्जर बने जिन्हें मुख्य अतिथियों ने बैट प्रदान किया तो कैलाश गुर्जर मैन ऑफ द सीरीज बने। वहीं रनर अप रही वार्ड 31 की टीम को 21,000 रुपए का चेक सौंपा। मुझे बताया गया कि 10 तारीख से ये टूर्नामेंट चल रहा है और आज इसका फाइनल यहाँ पे रखा गया है कोटा में। मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने कोटा आ सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकता धारीवाल जी को, अमित धारीवाल जी को कि आप उन्होंने मुझे यहाँ याद रखा, शानदार कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रण दिया और आप सभी लोगों से मेरा मिलना होता था। मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमित पठान जी वो आए नहीं आ सके क्योंकि जयपुर में कोई मीटिंग थी और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो तमाम पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लिए मेरा स्वागत किया।